और फिर तो खेलने का प्रयास गिरफ्तारों से लगी है, रन भागना चाहते थे। धनसोई की टीम को किसी भी हालत में इस मुकाबले में प्रतियोगिता में जीवित रहने के लिए ये 36 गेंदों में 70 रन बनाने ही होंगे। जो भी विकेट लेते हैं तो 500 का पुरस्कार है। इस बार गेंद गई है फलक में, जान हलक मती और गेंद गिरी नो मैन्स लैंड में और बल्लेबाजों ने वहां पर पहला रन चुरा लिया है। अगर इस ओवर में जेपी एक विकेट प्राप्त करेंगे तो 500 रुपए का पुरस्कार समीर आलम जी के द्वारा। इस बार गेंद को घूम पर खेला है, गेंद जमीन के सहारे लुढ़कती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर गई है। एक रन के सहारे टीम का स्कोर 2 रन, जबकि वहां भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी भानु ने गेंद को फिट किया 1 रन। जेपी यादव के हर इस बार के तो केस थे हैं हवाई पर, जो तो स्कोर में कीपर से सीमा रेखा से बाहर आधे दर्जन देने के लिए चली गई है। 6 रन और टीम का स्कोर 8 रन 70 का पीछे करते हुए इस बार फिर से गेंद ओवर पिच डिलीवरी थी, उसे लॉस किया था। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में गई थी, वहां खिलाड़ी मौजूद, एक जोड़ा रन भाग कर बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। एक छक्का खाया उन्होंने। अभी इस बार लेगी संघ के बाहर, गेंद कैसे लगा था, गेंद पैरों से लगकर गई थी। एक बार का इशारा अंपायर अरुण पाल के द्वारा, 4 रन अंतिम गेंद पर, 4 रन एक महंगा और खर्चीला ओवर जेपी के द्वारा पूरा हुआ। अगली गेंद इस बार गेंद को भूत में खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले को छटाती हुई अगली गेंद इस बार शॉट चल दिया है, गेंद खेला है फाइनल की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर लगातार बैक टू बैक चौका होता हुआ। बारी की टीम अपने ही घर में, कहा जाए तो घर में घुसकर मार रहे हैं धनसोई के बल्लेबाज इस समय बारी के गेंदबाजों को। धनसोई ने बारी के गेंदबाजों के साथ साथ उनके दर्शकों को चारों थाने चित कर दिया है इस दूसरे ओवर में। 70 का लक्ष्य था गजब की बल्लेबाजी इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा अब तक इस दोनों ओवरों में। घर है बैरी का लेकिन धनसोई का बोलबाला दिखाई दे रहा है। अगली गेंद इसका फिर से पल्ला चलाया, भोजपुरी में कहा जाता आनर ने कहा ग्रहण, लेकिन गेंदा कहीं और बल्ला कहीं और, गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में, चप्पल वाले विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं। एक शॉट कवर में खिलाड़ी मौजूद, बाकी सारे खिलाड़ी इस समय बाउंड्री राइडर्स के रूप में मौजूद है। अगली गेंद फिर से इस बार गेंद को लॉक किया है, जाली और गेंद के बाहर चलाई है, किसी मारे के बाहर 6 रन। घर में घुसकर लगातार मारते हुए धनसोई की टीम चारों खड़े चित कर दिया है बैरी के दर्शकों को और स्कोर 6 की मदद से तेजी से पहुंचता है 29 पर दूसरे ओवर की प्रगति पर। 70 लक्ष्य था लेकिन उसे अब छोटा करने का प्रयास किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से गेंद को खेला है, गेंद गिरेगी नो मैन्स लैंड में, वहां एक खिलाड़ी मौजूद, भागकर बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। अंपायर के सारे के प्रतीक्षा कितने रन, एक विकेट की तलाश है। इस पर गेंद फलक में, जान फलक में है और आसान सा कोर्स चपका दिया गया है जो सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक नंबर में अब तक जितेंद्र को अगली गेंद इस बार फिर से फलक में, इस बार जान फलक में है और गेंद तीन खिलाड़ियों के बीच में नो मैन्स लैंड में गिरी, हर बल्लेबाजों ने भागकर फिर से एक जोड़ा रन पूरा कर लिया है। स्कोर इन दो रनों के सहारे 37 रन 70 का पीछा करते हुए बैरी की टीम इस बार स्विच हिट करने का प्रयास किया था, रचनात्मक शॉट खेलने गए थे गेंद बल्ले पर। अगली गेंद लेगी स्टंप के बाहर, अगली गेंद इस बार फिर से लेगी स्टंप के बाहर, हुक किया था लेग स्टंप के बाहर, बैक टू बैक दूसरा वाइड, हैट्रिक वाइड पर एक पुरस्कार है खुशी गुप्ता जी, खुशी जमाल। अगर ये 30 रन धनसोई की टीम बना लेगी तो अपने ही घर में बैरी की नैया डूब जाएगी। अगली गेंद इस बार गेंद को खेलने का प्रयास, फिर से गेंद बल्ले को छटाती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं। गेंद किनारा
एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया गया है और पहला झटका और खुशी की ताकत खुशी का माल लग रहा है बरात लगने वाला है। इस विकेट पर जेपी को मेरे खाते में फोन पे किया जा चुका है 200 रुपए। जेपी खाता चेक कर लिया। नए बल्लेबाज के रूप में अगले गेंद को खेला है 5 रुपए पर है जिनके पैरों में ना जूता है ना चप्पल है। गेंसी मारे खाते बाहर 4 रन। जिसके पास ना जमीन है ना जूता है ना सबसे कमजोर कड़ी अब तक फील्डिंग रही है। इस बार अंदर आते ही गेंद स्विंग होती हुई इन स्विंगर के रूप में अंदर आती है। हल्के हाथों से खेला शॉर्ट फॉर्मेट के निशान है एक गली लगाया गया है 1 रन के साथ स्कोर बनता हुआ 45। इस बार फिर से बल्ला खेलाया लेकिन निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। कहा जाए तो अब तक बिहारी पड़े हैं पैरी पर भारी। अगली गेंद फिर से बल्ला चलाया सिस्टम के बाहर लगातार एक और डॉट गेंद। अब तक इस ओवर से मात्र 5 रन आए हैं 5 गेंदों में। तो बक्सर का एक बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी इस बार गेंद को खट गया है। वहां फिर से बिना चप्पल जूता वाला खिलाड़ी मौजूद उसने गेंद को फील्ड किया और बल्लेबाजों ने भाग कर छोर बदल लिया। 6 गेंदों में 6 रन और रन जीतने के लिए 12 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। इस बार गेंद को खेला है गेंद हलकने जान हलकने और एक बड़ी मछली को जाल में जितेंद्र ने फंसा लिया है। आज लागे का बड़ा ग्रामीण के नामी कल तक खुशी जमाल के खुशी का ठिकाना नहीं है। और बल्ला चलेगा आहर लिखा हाथों पर आना गेरा कहीं और बल्ला कहीं और इस बार के तो खेला है गेंद फलक में वीरेंद्र मैसलैंड में इस बार फिर से मौका बना था लेकिन 1 रन और अरुण पाल के लिए बेहतरीन अंपायरिंग पर समीर आलम जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार आपको भी दिया गया है। कृपया समीर आलम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। साहब से भी आपको जिसी मत के लिए बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ सभी छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। और फिर से गेंद को बैट कराया है बल्लेबाज को चारों खाने चीज करते हुए कोई रन नहीं दीपक क्या दीपक अगली गेंद इस बार आने का प्रयास पैरों से लगी है इशारा अभी आना बाकी रेख भाई के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ के द्वारा जबकि हमारी कमेंट्री पर 500 का पुरस्कार हमारे पॉकेट में पहले ही आ चुका है। समीर आलम जी के द्वारा ओवर की समाप्ति ना ओवर की समाप्ति है ओवर कैसा रहा है। बारहवीं की टीम ने पिछले 2 ओवर में 8 रन खर्च करके इस मुकाबले में बेहतरीन वापसी कर ली है। अब 1 ओवर में 22 रन यानी रिंकू सिंह वाली पारी खेलनी होगी यहां से। अगली गेंद इस बार फुल टॉस सिंह किनारे लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पर वही खिलाड़ी जेकर पैर में ना जूता बा ना चप्पल बा लेकिन इनकी बारी फील्डिंग बढ़िया बाड़ बॉल और 5 गेंद में 21 रन भाड़ा पिंगे के कोने जाना चप्पल देना जा बड़ी खराब लगता। इस बार गेंद को खेला है गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर माफ कीजिएगा लॉन्ग बाउंड्री पर 1 रन। जबकि एक बात बता दूं आपको आप सभी को एक कैमरे में कैद किया जा रहा है इस वीडियो में कई सारे हजार व्यूज होते हैं उस वीडियो को खराब कर क्रिकेट चप्पल या जूता पहन ले इससे आपकी हमारी बेइज्जती हो रही है और आपकी पर्सनैलिटी आपकी समझदारी की सबूत है। धोनियों के मस्जिद आते खेल दिखाए और वहां भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी धनु जिनका वजन उनके दस उनके खिलाड़ियों ने बताया है 99 किलो है तो नहीं देंगे 300 तो 500 का पुरस्कार है। समीर आलम जी और इशारे से खेल है और फायर वहां पर खिलाड़ी मौजूद और आउट बारी की टीम और कहा गया तो जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और धनसोल की टीम अब इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो इस मुकाबले में सिर्फ अफसाइटा बची है और हैट्रिक का मौका है और हैट्रिक विकेट पर अंतिम गेंद बची हैट्रिक विकेट पर 500 का पुरस्कार है साहेब शेख के द्वारा।
हैट्रिक विकेट पर 500 में पुरस्कार है साहिब शेख के द्वारा। अरुण पांडे मैच के बाद आप आएंगे सभी वालों के द्वारा 500 का पुरस्कार और उसका है छक्का भी अगर बता देंगे तो 500 प्रिंस के लिए समीर आलम जी के द्वारा। बहुत बढ़िया है,